गुड मॉर्निंग. टुडे इज अवर टॉपिक विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. विंड का मतलब पवन. पवन मीन्स हवा. स्टॉर्म्स मीन्स तूफान. ओके. एंड साइक्लोन्स, साइक्लोन का मीन्स चक्रवात. ओके. ये तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओडिशा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999. उड़ीसा के तट पे, उड़ीसा का जो तट है यानी किनारा है, उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया यानी क्रॉस किया. द साइक्लोन स्मिस्ड 45,000 हाउसेज मेकिंग सेवन लेक पीपल होमलेस. इसमें 45,000 घर जो हैं वो तहस नहस हो गए. ये जो चक्रवात आया था इसने क्या किया, 45,000 लोगों के घर उजाड़ दिए और 7,00,000 लोग बेघर हो गए. यानी उनका घर जो है वो सब उस चक्रवात में ख़त्म हो गया. ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर इट ओडिशा अगेन. उसी साल 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर के वेग से पवन जो है, हवा जो है, वापस आया. मतलब साइक्लोन यानी चक्रवात जो है, जो पहले 18 अक्टूबर को आया था वो उसी साल फिर से कब आया, 29 अक्टूबर को. देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 18 अक्टूबर, 29 अक्टूबर. तो वापस जब वो 260 किलोमीटर के मतलब झोंके से आया तो इट वॉज अकम्पेन्ड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई. इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी. मतलब 9 मीटर जो उनका पानी का लहर था वो था. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी. प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड. करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. चक्रवात ने यानी जो वो साइक्लोन आया उसने एग्रीकल्चर यानी खेती, कृषि, ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन, कम्युनिकेशन में संचार एंड और विद्युत सप्लाई जो होता है उसको प्रभावित किया. यानी इन सब ने उसका चक्रवात का फेस किया. देखिए 8.1 में आपको दिखाया गया है कितना भयंकर ये चक्रवात था. ओके. बट वॉट आर साइक्लोन्स. लेकिन चक्रवात होते क्या हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, मतलब ये जब भी आते हैं तो ये सबको तहस नहस क्यों कर देते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस. इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे. वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर. हम वायु द्वारा यानी हवा द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं, शुरुआत करेंगे. दिस एक्टिविटीज़ विल क्लेरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन. संबंधित कुछ इसमें जो क्रियाकलाप हैं वो चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करेंगे. बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड. इससे पहले कि हम क्रियाकलाप स्टार्ट करें यानी आरंभ करें याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है. यानी जो हवा तेज़ी से चलती है वो पवन, विंड कहलाती है. ओके. तो यहाँ तक हमने समझा और यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार हमें बताया गया कि ओडिशा में 18 अक्टूबर को आया साइक्लोन, फिर उसी ईयर 29 अक्टूबर को आया और उसने कितनी
विनाशकारी यानी कितने लोगों के घर उजाड़ दिए और कितने लोग बेघर हो गए और कितने परेशान हुए उसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट हम एयर एक्सपर्ट्स प्रेशर यानी वायु दाब डालती है यानी वायु प्रेशर देती है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।